इसमें बच्चों आप देख रहे हैं टैकल करने के आदमी, तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग। अब जिन बच्चों की ना एडवांस अकाउंटिंग में सख्ती आई हुई ना एडवांस अकाउंटिंग में, ये ज़रा सुन ले आप मेरी बात। अब सप्ली में बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि तैयारी थोड़ी सी ना आप लोगों को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ये नहीं कि जिस एनुअल में तैयारी किया, क्योंकि सप्ली में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वही चीज़ें सिलेक्टिव तैयारी कर लेते हैं, हम पास्ट पेपर तैयार कर लेते हैं फिर सप्ली आ जाती है। तो अभी मैं आपको मेन चैप्टर्स बताने लगा हूँ कि जिसको अगर आप तैयार करेंगे ना तो, लेकिन अच्छे तरीके से। मैंने पहले ही बताया था कि जिन स्टूडेंट की सप्लीज आई है ना बच्चों, वो अपने बिहाफ पे हरगिज़ तैयार ना करें, किसी ना किसी टीचर्स के पास ज़रूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपका जो है ये बोनस शेयर का चैप्टर है और राइट शेयर, ठीक है, इसको लाजमी करें, इसके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि इसमें से जो है ना 100% आपका जो है सवाल आना ही होता है, ठीक हो गया। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं ना कि बस ऊपर से नज़र मार के या खुद से, तो ये कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी करने के लिए बाकायदा आपको टेस्ट देने पड़ते हैं किसी टीचर के अंडर, वो आपको बताएगा कि क्या मिस्टेक्स है, ठीक हो गया। तो ये सप्ली के तमाम स्टूडेंट्स का मैं ये कह रहा हूँ, चाहे तो वो जिन बच्चों की सप्ली आई है वो जिसी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी सरगोधा के हो, चाहे तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हो या पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, ठीक हो गया, जिन्होंने सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स देने। और दूसरा ये बात है कि आपका एक डिपेंचर का चैप्टर है, ठीक है, वो डिपेंचर्स के चैप्टर को भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इसको भी आप लोग है लाजमी करें, ठीक है। और एक चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट, अभी तो ये बस मैं तीन मेन बता रहा हूँ, बाकी भी करने हैं, लेकिन ये तीन चैप्टर जो है ना बच्चों ये 100% इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब बोनस शेयर का चैप्टर भी बच्चों को क्लियर नहीं है और डिफेंचर्स भी बच्चों को सही तरह से आता नहीं है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो बच्चे क्लासेस दे रहे हैं उनको बताया जा रहा है। देखिए बच्चों गैस अगर आपको पता भी चल जाती है ये कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर मैंने आपको कोई गैस भी दे दी है लेकिन आपने तो उसको तैयार ही नहीं किया, फ़ायदा कोई नहीं है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट ना दोगे तैयारी कभी भी नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए थे, मोस्टली वही स्टूडेंट पास हुए हैं जिनको मैंने जो काम कहा ना उन्होंने वो किया है, उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं किए। जो बच्चे एक्सक्यूज़ेस करते रहना है, भाई हम लाइव नहीं आ सकते क्लास देने के लिए, लाइव से मुराद है जूम पर, हम टेस्ट नहीं दे सकते, हमें इशू है वो है ये, तो वो बच्चे नाकाम हुए हैं। तो जब आपने कामयाब होना ही ना, तो जो टीचर्स आपको कह रहे हैं उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी, ठीक हो गया। बाकी क्लासेस तो चल रही है बच्चों, क्लासेस कब से चल रही है, अब मैंने आपको बताया था बच्चों को कि वीडियोस लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और लाइव क्लासेस जो है ना वो, क्योंकि एडवांस में सपनी बच्चों की कमी आई है, ज़्यादातर कॉस्ट में आई हुई है, तो वो ज़्यादातर मोस्टली मुझसे वीडियोस लेक्चर ले लेते हैं। हाँ अगर ग्रुप बनता है तो एक भी स्टूडेंट्स होगा सीरियस पढ़ने वाला तो उसके लिए लाइव क्लास मैनेज की जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइम है वो मेरे मुताबिक होगा, वो लेट नाइट होगा। आपने पढ़ना है ना, आपको इशू नहीं होना चाहिए कि टाइम, आपको बस ये होना चाहिए कि टीचर आपको काम प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बच्चों चार्जेस इसके वही हैं, मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन अब आप फिर बच्चे बहस कर रहे हैं, टाइम भी कम है और वो बहस करी जा रहे हैं कि ये कर दे वो कर दे। आपको पता है कि कम वक्त में तैयारी करनी है, तो अगर हम आपसे मंथली लें वो ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ये तो बहुत कम है। तो अगर अभी भी तैयारी करनी है तो अभी भी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करें, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस लेक्चर लें, ठीक है, हफ्ते में एक वीक में जो भी लाइव क्लास कंडक्ट करानी होगी वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन काइंडली जो है ना बार बार मिस कॉल करके ना ये डिस्टर्ब वाले काम मत कीजिएगा।